रोते रोते खेसार लाल यादव का इतना ज्यादा हालत खराब हो गया है कि शायद मैं आप सभी को सुनाऊंगा तो आप सभी का दर्द इतने पैर खिसक जाने वाला है। तो आखिर में ऐसा क्या हो गया है खेसार लाल यादव को जो इतना ज्यादा रो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को यही पता होगा कि खेसार लाल यादव ने वादा किया था कि मैं प्रिया सोहानी के साथ एक गाना बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही प्रिया सोहानी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है। तो आखिर में प्रिया सोहानी ऐसा क्या कर दिया है जो खेसार लाल यादव इतना ज्यादा रो रहा है। सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ आप सभी को इसी वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक ले बन रहना आप सभी। इससे पहले छोटा मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रिया सोहानी को दिल से पसंद करते हैं तो इस वीडियो के लाइक कर दो और साथ में चैनल की सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए कि आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री का न्यूज। तो देखिए, आज खेसार लाल यादव आया था मिलने के लिए प्रिया सोहानी के घर पे, तभी पता चलता है कि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन प्रिया सोहानी को अचानक से ऐसे कैसे हो गया? तो देखिए, पहली बार प्रिया सोहानी सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हो गया है कि वो अभी काफी ज्यादा बड़ा सेलिब्रिटी बन गया है। वजह से अभी काफी ज्यादा मीडिया वाला प्रिया सोहानी के घर पे जा रहा है, इसीलिए प्रिया सोहानी अभी डिप्रेशन में चला गया है।